एक कमरा या दो कमरे बनाए हुए हैं, एक या दो जो तीन तीन मरले में, उनके मकानों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाए, छेड़ा जाए और उनके साथ इंसाफ इंसाफ किया जाए। हाँ जी सलाम, कवरेज कर रहा हूँ। वरना धरना प्रोटेस्ट रखा है अपनी पार्टी की जानिब से आल जम्मू कश्मीर में। ये आज का एक मतलब ड्राइव चल रहा है, ये जो ड्राइव चल रहा है इसके खिलाफ यहाँ पे पुरअमन प्रोटेस्ट रखने का मुद्दा ये है, यही है कि जिन लोगों के पास दो कनाल, चार कनाल या दस मिले, पाँच मिले जगह है तो कम से कम उनको न छेड़ा जाए। जैसे कि हुकूमत की तरफ से भी आए दिन ये ऐलानात होते रहते हैं कि ये जो छोटे लोग हैं, आम किसान हैं, आम जो ज़िम्मेदार हैं या छोटे मोटे ताजर हैं, उनके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन इस आज की इस धरने के प्रोटेस्ट की रूह से हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि कम से कम ये चीज़ रिटर्न में आनी चाहिए कि अगर कोई लोग उसके साथ छेड़ा नहीं जाएगा, जो लोग गरीब हैं, मजलूम हैं, दो कनाल तक, चार कनाल तक या दस मिले, चार मिले जिनके पास जगह है या खरीदी हुई है कोई जगह किसी ने, तो उसके साथ कम से कम नहीं छेड़ा जाए। इसीलिए आज का ये प्रोटेस्ट जो रखा गया है हमारे यहाँ पुंछ में जनाब शाहू तांतरे साहब जो हमारे ज़िला सदर हैं पार्टी के, उनकी हिदायत पे और जम्मू कश्मीर की जो हमारे जम्मू सदर हैं जनाब बुखारी साहब उनकी हिदायत पे पूरी रियासत में आज ये धरना जो है वो रखा गया है। उसका मुद्दा और मकसद यही है कि उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए जो छोटे गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जबकि यहाँ पर बेरोज़गारी मतलब ज़ोरों पर है और जो नौजवान बच्चे हैं बेरोज़गार हैं और वो बिल्कुल टेंशन में पड़े हुए हैं और वो डिप्रेशन के शिकार हैं। अगर उनके घर वालों को, अगर उनके छोटे मोटे किसानों को अगर इस ज़ुमरे में डाला जाए तो वो बड़ी मुश्किल से उनका बचना मुश्किल हो जाएगा और गरीब लोगों को ज़बरदस्त नुकसान होगा।